आज का हमारा टॉपिक है आर सिलेक्शन। आर सिलेक्शन को आर स्ट्रेटजिस्ट भी बोलते हैं और अपॉर्चुनिटिक स्पीशीज भी बोलते हैं। ठीक है, आर सिलेक्शन में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, किस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसके बारे में आज थोड़ा हम जानेंगे। ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं इनके, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं आर सिलेक्शन, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जो आर सिलेक्शन है इसको कॉइन किया था रॉबर्ट मैककॉथर्न ने और ई ओ विल्सन ने, एक अच्छे इकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने आर सिलेक्शन के बारे में बताया। इन्होंने बताया जो आर सिलेक्शन में जो स्पीशीज़ होती है उनका डेवलपमेंट है ना वो काफ़ी रैपिड होता है, मतलब बहुत फास्ट ग्रो करती है। जैसे अपने अपन ह्यूमन से अपनी ग्रोथ तो बहुत स्लो होती है, अपनी ग्रोथ तो बहुत स्लो होती है, अपना लाइफ टाइम भी लॉन्ग होता है, अपनी ग्रोथ होती है। बट जो स्पीशीज़ जो ऑर्गेनिजम्स आर सिलेक्शन में आते हैं उनकी ग्रोथ बहुत रैपिड होती है और उनका डेवलपमेंट भी बहुत रैपिड होता है। अपने डेवलपमेंट में होने में एटलीस्ट 9 मंथ्स का टाइम लगता है, तब जाके बर्थ होता है, फिर अपन धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है, स्मॉल बॉडी साइज, छोटी ही बॉडी साइज़ होती है। जितनी छोटी बॉडी साइज़ होगी उतना ही कम इन्वेस्टमेंट होगा उस बॉडी पे, ठीक है, उतना ही कम इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसी टाइप की स्पीशीज़ का क्या रोल होता है, बस रिप्रोड्यूस करना, और वो किसी और चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करती हैं, और किसी चीज़ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करती ही नहीं है, ना मेटिंग पार्टनर के पीछे ध्यान देती हैं वो लोग, ना टेरिटरी पर, और ना ही ज़्यादा रिसोर्सेज पे। बस जैसे उनका बर्थ होता है बस वो कुछ ही घंटों में कुछ ही दिनों में इस काबिल हो जाती हैं कि वो फिर से रिप्रोड्यूस कर पाएँ। बस इनका एक ही टारगेट होता है कि अपनी मल्टीपल प्रोजेनी रखनी, नेचर में अपना प्रोजेनी बनाए रखना, मेंटेनेंस रखना, पॉपुलेशन को मेंटेन रखना, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पुअर कम्पिटिटिव एबिलिटी, मतलब कंपटीशन वगैरह नहीं करती है क्योंकि इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है, ये बहुत वैसे ही चंद दिनों की होती है, अभी कहाँ टाइम है इनके पास कि हाँ पहले बेबी हो फिर वो ग्रो करे, अडल्ट हो, यंग हो, उसके बाद वो कंपटीशन करे फॉर फूड, फॉर मेटिंग पार्टनर, फॉर टेरिटरी, इतना टाइम ही नहीं है इनके पास, इतना टाइम ही नहीं है, कंपटीशन में अपना टाइम ही नहीं देते, सिर्फ रिप्रोडक्शन ओरिएंटेड होते हैं ये, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट, गुड डिस्पर्सल एबिलिटी। अब ये जो टर्म है इसको मैं समझाती हूँ, डिस्पर्सल एबिलिटी क्या होती है। कुछ प्लांट्स होते हैं या कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको बहुत ही स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उनको बहुत ही स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो बहुत स्पेशल होते हैं। जैसे पैंडास हैं, पैंडास वहीं मिलेंगे जहाँ पे बैम्बू ट्रीज होंगे, वो बहुत स्पेशल है, उनको परफेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए होगा, उसके अलावा वो हर कहीं नहीं मिलेंगे आपको, कि जैसे गलियों में कुत्ते वगैरह मिलते रहते हैं वो हर जगह मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में होगी। बट आर सिलेक्शन में क्या है, अगर ये इस तरह से रहेगी कि जब पर्टिकुलर एनवायरनमेंट आएगा तभी हम रिप्रोड्यूस करेंगे, तभी हम यंग होंगे और तभी हम मेटिंग करेंगे, देन फिर आगे आगे प्रोसीड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे ये प्रोड्यूस हुआ इन्होंने अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर दी, जो भी एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा भी एनवायरनमेंट मिलेगा, कोई भी टेम्परेचर हो, कोई पीएच हो, कोई सॉलिनिटी हो, ह्यूमिडिटी हो, एनवायरनमेंट का कैसा भी फीचर हो, कैसा भी इन्फ्लुएंस हो, कैसा ही इंटरफेरेंस हो, ये अपने आप को ग्रो कर लेगी, ये डिस्पर्स है, ये कहीं भी ग्रो कर लेगी, जहाँ जाएगी वहाँ ग्रो करेगी। ठीक है, सेमिपेरिटी ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सेमिपेरिटी के फीचर्स क्या होते हैं, ब्रीड वंस इन होल लाइफ स्पैन, मतलब ये एक ही बार ब्रीड करेंगी और बहुत सारी कॉपीज रिप्रोड्यूस करेगी अपनी। नेक्स्ट फीचर है लो पेरेंटल केयर, बिल्कुल बहुत सारी ऑफस्प्रिंग है तो पेरेंटल केयर सबको दे पाना तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इतने सारे ऑफस्प्रिंग होंगे, इतनी सारी प्रोजेनी होगी तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है केयर देना। नेक्स्ट
डू नॉट लिव लॉन्गर, बिल्कुल इनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, किसी किसी की तो कुछ घंटों की होती है, किसी की कुछ दिनों की होती है, बटरफ्लाई की तो खाली 1 वीक की होती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, कुछ स्मॉल फिशेज हैं, इंसेक्ट्स हैं, आपको भी पता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और कुछ वीड्स प्लांट। तो ये था आर सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।